गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक करने वाला है ना क्लास में, शायद तुम्हें कभी जिंदगी में समझ नहीं आया। एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव चाहे तुम एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, जेके एसएसबी का दे रहे हो, एक्टिव से ना पैसिव की कन्वर्जन आती है। और ना ना करते ना दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आराम से आना ही है। और हम पता क्या गलती करते हैं, जब भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं ना, हम खुद से तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और खुद से ऐसे कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं और बना के सही करते हैं, और जो होता नहीं है ऐसे किया मत करो। अब सुनना ध्यान से, यही करने वाले हैं आज की क्लास में। तुम्हें आज बेसिक, बिल्कुल बेसिक एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, सिर्फ पांच चीज़ें सिखाऊंगा। पांच चीज़ों को स्टेप बाई सीखना, उसके बाद आगे चलते हैं। मिस मत करना, क्योंकि ये पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ना एक्टिव से पैसिव बनाना इसे मुश्किल सा लगता है, कि पता नहीं लगता कब बीइंग लगाना है, कब बीन लगा देना है, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, कब क्या करना है, नहीं पता चलता। सिर्फ पांच स्टेप बताऊंगा, पांच स्टेप करने और उसके बाद एक्टिव से पैसिव बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात सुनते जाना ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूँगा तुम्हारे पहले पॉइंट की, और पहला पॉइंट सबसे पहले यही है कि बात अगर करूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो हमें कैसे पता चलता है कौन सी वॉइस एक्टिव है, कौन सी वॉइस पैसिव है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये, पता तो चलना चाहिए। तो आज करने वाले बात एक्टिव और पैसिव वॉइस की। ये टॉपिक मैं तुम्हें करवाना थोड़ी देर बाद चाहता था, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पहले कर लो, ताकि तुम्हें बड़ी सारी चीज़ें ना पहले समझ आ जाए। लाइक अगर सिलेबस उतना करो जितना हो जाए ना, फिर भी एग्जाम में आ जाए, उसमें मैं करवाऊंगा कि सारा कवर ही हो जाए। लाइक अगर मैं तुम्हें पांच टॉपिक भी पढ़ा दूँ ना इंग्लिश में, तो तुम ना ना करते भी 20 से 21 22 मार्क्स सिर्फ पांच टॉपिक से लेके आ सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो 20 में से 18 ले लेना, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस कर लिए, नाउन कर लिया, एक तुम्हारा ये तुमने ये कर लिया अपना, एक्टिव पैसिव, नरेशन तुम्हारे एग्जाम में चांसेस होते कि आते भी है नहीं भी आते, अगर तुम थोड़ा सा जीके एसएसबी का दे दो, ठीक है। तो वो एक टॉपिक कर लिया, और तुम्हें क्लोज टेस्ट करा दिया। क्लोज टेस्ट होता है 5 मार्क्स का, सिंपल, और वो कैप कर ली, खत्म, कुछ नहीं आता। और सुनो बात ध्यान से, बात कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव की। सबसे पहला पॉइंट, हमें किसी भी सेंटेंस में अगर हमें ये पहचानना पड़ जाए कि एक्टिव कौन सा पैसिव कौन सा, तो कैसे पहचाना जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सही है। और एक सेंटेंस यही पे लिख रहा हूं कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। तो यहां पे ना तुम बड़े आसान तरीके से बता दोगे कि एक्टिव वॉइस, सिंपल सुनना, एक्टिव वॉइस जो तुमने डेफिनेशन दे रखी है, कि एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जो हम सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं। लाइक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सीधा बोल दे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्लियर। बट तुम बोलते हो कि कभी अगर ऐसा हो ना कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो तुम बोलो कि जहां पे भी लग जाते हैं ना बाय, जहां क्या लग जाता है कि बाय मी, है ना, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो तुम उसको क्या बोलते हो, ये चीज होती है पैसिव, है ना। एक वॉइस ऐसी वॉइस जिसमें डायरेक्ट पता चल जाए, तुम बोलते हो उसको एक्टिव, और जिसमें डायरेक्ट ना पता चले, ऐसा लग रहा हो कि इंग्लिश जो है मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो तुम क्या बोल देते हो उसको, क्या बोलते हो, पैसिव, ठीक है, ये मानते हो ना। अब सुनना सही में ना, एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन ये वाली तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट, और यहाँ कर दूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो तुम्हारे दिमाग में जो टीचर्स ने पहले से भर रखे है कि जहाँ कहीं भी बाय दिखे, कि बाय मी बाय हिम ऐसा कुछ दिखे ना, कि मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तुम बोलते थे पैसिव होता है वो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाय नहीं लगा, यहाँ पे बाय लगा हुआ है क्या, फिर तुम्हारे हिसाब से ये पैसिव नहीं है, बट ये स्टिल ये क्या है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो मतलब मैं पहचान कैसे रहा हूँ कि मेरे को कैसे पता चल रहा है किसी भी सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे होती है, ये चीज़ मेरे को पता कैसे चल रही है। अब सुनना, तुम्हें ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतना चाहिए। मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब से पहले आया, मेरे पास वर्ब क्या है, टीचिंग, और पढ़ा रहा क्या हूं, आई एम टीचिंग व्हाट, इंग्लिश, और व्हाट का आंसर जो दे वो होता है ऑब्जेक्ट। इतना समझ आता है ना, जो व्हाट का आंसर दे देना वो ऑब्जेक्ट है।
आई एम टीचिंग व्हाट इंग्लिश, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर? सब्जेक्ट है, वर्ब है और तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, तो मतलब यहां पे मेरे पास दोनों ये सेंटेंसेस हैं, बट इसमें से एक्टिव वाली वॉइस कौन सी है, पैसिव वाली वॉइस कौन सी है, पहला तरीका कैसे पहचानोगे? मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम पहला सेंटेंस देख रहे हो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सब्जेक्ट कौन है? आई। इंग्लिश पढ़ा कौन रहा है? आई, मतलब यही मेरा सब्जेक्ट है, यही मेरा डूअर है। जब मेरा सब्जेक्ट डूअर दोनों क्या हो, सेम, सब्जेक्ट डूअर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको मैं बोलता हूं एक्टिव वॉइस। मेरे को एक चीज बताओ, ये सब्जेक्ट है बट इंग्लिश पढ़ा कौन रहा है? मी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, तो मी जो है यहां पे ये क्या है, ये तुम्हारा डूअर है, मतलब अब मेरा सब्जेक्ट और डूअर दोनों क्या क्या है, अलग अलग। जहां पे सब्जेक्ट डूअर अलग अलग वो वॉइस पैसिव, जहां पे सब्जेक्ट डूअर सेम वो वॉइस एक्टिव। बेसिक चीज समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? तो मतलब अब तुम्हें कोई ये पूछे ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती क्या, तुम बोलोगे एक्टिव वॉइस ऐसी वॉइस है जिसमें मेरा सब्जेक्ट और डूअर सेम है, ठीक है, और पैसिव वॉइस वो वॉइस है जिसमें मेरा सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग। मैं यहां पे लिख रहा हूं शी राइट्स अ लेटर, एक्टिव है पैसिव है, तुम देखो कि सब्जेक्ट क्या है, शी, लेटर लिख कौन रहा है, शी, यही मेरा डूअर है, यही मेरा सब्जेक्ट है, वॉइस कैसी है, एक्टिव। जब इसको ऐसे लिखूंगा ना, अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो लिखा क्या, लेटर सब्जेक्ट ये है, लिख रहा कौन है, मी, तो डूअर तुम्हारा ये, तो अब सब्जेक्ट डूअर अलग अलग, ये वॉइस पैसिव। मेरे को पता, तुम्हें ये चीज पता नहीं चल रही, कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं उसको छोड़ो, सिंपल पहले ये समझो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फर्क है। एक्टिव वॉइस ऐसी वॉइस जिसमें सब्जेक्ट डूअर सेम, और पैसिव वॉइस वो वॉइस जिसमें हमारा सब्जेक्ट डूअर दोनों अलग अलग, पहला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इंपॉर्टेंट है, सारे पांच पॉइंट करने वाले खत्म, एक्टिव पैसिव खत्म, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ दूसरा पॉइंट सुनना, सुनना दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कि हमें ना टेंसेस का पता है ना, टेंसेस की काइंड्स का पता है, किसका पता है, टेंसेस की काइंड्स का पता है। बताओगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और जब मैं बात करता हूं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारे 12 टाइप के टेंसेस होते हैं, क्लियर? मेरे को इतना पता है कि तुम्हें इनके रूल्स का पता है जो पहले पढ़ा दिए हुए हैं, इनके रूल्स का पता है ना, पहले पढ़ा दिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस दिख रहा है तो सिंपल प्रेजेंट है, इज एम ए आर के साथ वी वन प्लस आई एन जी दिख रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पता है ना। ये जो लास्ट वाले है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका कभी भी एक्टिव से पैसिव बन ही नहीं सकता। क्या बोल रहा हूं, मेरे को अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो मेरे को तो पहले ये पता चल गया एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है ना, एक दूसरा पॉइंट मैंने बोला, अगर मेरे को एक्टिव से पैसिव बनाना है ना तो इन तीन वालों का तो कभी बनेगा नहीं, एक और किसका नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास टेंसेस बचते हैं 8 जिनका मैं एक्टिव से पैसिव क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। अब बनाना कैसे है वो बाद में सिखाऊंगा लास्ट पॉइंट में, बट ये दूसरी चीज भी दिमाग में रखनी है कि सारे टेंसेस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। अगर यहां पर लिखा हुआ है ना द लेटर हैज बीन, यहां पर लिख रहा हूं ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, He has been writing a letter. इसका तुम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। Has been writing, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। पहला पॉइंट ये चीज ये समझ आया। अब एक चीज और सुनो, अब बात करते तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये वर्ब के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। किस कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, वर्ब के रिलेटेड। देखो इतना तुम जानते हो सारे कि वर्ब होती है दो टाइप की। जब तुमने क्रिया करी थी ना, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तुम बोलते दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, जो इंपॉर्टेंट पढ़ते थे। इंपॉर्टेंट मतलब जिसको तुम इंग्लिश में बोलते हो ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे मैं वर्ब में ज्यादा डीप तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ नहीं रहे अभी, बट बेसिक समझना। आज तक हमें पता ही नहीं चला उसमें फर्क क्या था। ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो आज तक हमें ये पता ही नहीं चला इनमें दोनों में फर्क क्या है। फर्क सुनना और इसकी मैं तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ एक्टिव पैसिव में। बोलता ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके पास होता है ऑब्जेक्ट, जिसके पास क्या होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या बोल रहा हूं, ये वर्ब ऐसी है जिसके पास ऑब्जेक्ट है और ये वाली वर्ब ऐसी है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ही गेव अ पेन, तुमने बोला ही यहां पे सब्जेक्ट, क्या करा उसने, पेन दिया, तो ये यहां पे वर्ब। देखो जब भी तुम्हें कोई पूछे ना ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने वर्ब जो है तुम्हारी वर्ब से पूछने दो क्वेश्चन, या तो पूछो व्हाट तो या तो पूछो हुम। अगर मैं ये दो क्वेश्चन पूछूं इस वर्ब से और कोई वर्ड आंसर दे तो मेरे पास वहां पे ऑब्जेक्ट होता है। ही गेव व्हाट अ पेन, तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और मैंने क्वेश्चन पूछा किससे था, इस वर्ब से क्वेश्चन पूछा था और इसी वर्ब ने मेरे को व्हाट का आंसर दिया, तो इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है। अगर इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये वर्ब कैसी है, क्लियर है। मैं यहां पे लिख रहा हूं ही वेंट टू आगरा, तुम मेरे को बताओ यहां पे ये वाली जो वर्ब है, वेंट वाली जो वर्ब है, क्या इसके पास इसका अपना ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। ही वेंट व्हाट, नहीं क्वेश्चन नहीं बना ना। ही वेंट हुम, क्वेश्चन नहीं बना। वेयर ही वेंट, वेयर ही वेंट टू आगरा, तो मतलब इसने तो वेयर का आंसर दिया, तो मैंने ऐसा कुछ बताया तुम्हें कि वर्ब अगर वेयर का आंसर दे तो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं बताया ना। व्हाट और हुम का दे तब उसके पास ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट पता किसका है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मतलब जब मेरी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो, मेरी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो तो मेरी वर्ब होती है इनट्रांजिटिव। अब मैं यहां पे सिंपल लिख देता ही स्नीज्ड, क्या लिख देता, ही स्नीज्ड, तो मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट क्या, ही स्नीज्ड व्हाट, उसने छींका, छींका क्या, नहीं पता ना, मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जब मेरे पास ऑब्जेक्ट ना हो ना तो वर्ब कैसी होती है, इनट्रांजिटिव। अब ये मैं तुम्हें बताया क्यों या पढ़ाया क्यों, तुम्हें सिंपल पता चल गया कि मेरे पास अगर वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट है वो वर्ब ट्रांजिटिव, और ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब इनट्रांजिटिव। ये पढ़ा क्यों रहा हूं, इसलिए क्योंकि सुनो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जहां पे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और इनट्रांजिटिव ऐसी जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब भी मेरे को एक्टिव से पैसिव बनाना है ना तो मेरे पास सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। अगर मेरे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है तो मैं एक्टिव से पैसिव कभी नहीं बना सकता। तीसरा पॉइंट था ये, ही गेव अ पेन। अब इसका मैं बनाता हूं एक्टिव से पैसिव रूल, मेरे को पता है तुम्हें नहीं बताया अभी मैंने, बट सुनो कैसे बनता। अ पेन वॉज गिवन बाय हिम, उसने पेन दिया, पेन उसके द्वारा दिया गया, तो ये इसका एक्टिव से पैसिव बना, बड़े आराम से बन गया। सुनो अब मैं इसका बनाता हूं, ही वेंट टू आगरा, तो आगरा वॉज गॉन बाय हिम, कोई सेंस बन रही है। मैंने बोला ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया
था। तुम बोल रहे हो आगरा, ये आगरा उसने पकड़ा और आगरा उसके द्वारा लेके गया, आगरा जाया नहीं गया उसके द्वारा, आगरा समझ लो ये आगरा है और आगरा उसके द्वारा लेके गया है। मतलब यहां पे तुम्हारी सेंस बन ही नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मेरे पास वर्ब कैसी थी? इंट्रांसिटिव। तीन पॉइंट कर रहे हैं अभी तक, तीन पॉइंट करें। पहला, एक्टिव पैसिव होता क्या समझ आया। दूसरा, मेरे को ये पता चला कि आठ टाइप ऑफ टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनता है, और अगर मेरे पास वर्ब ट्रांजिटिव है तभी एक्टिव से पैसिव बनेगा, अगर वर्ब मेरे पास इनट्रांजिटिव है एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। यहां पे लिख रहा हूं ही पेंटेड द वॉल, मेरे को बस इतना बताना है। आपने तुम सबने मेरे को पहले तो इतना बताना है, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है। ही सब्जेक्ट है और वॉल पेंट करी किसने? ही ने। तो डूअर भी यही है, सब्जेक्ट भी यही है, वॉइस एक्टिव। पहला चीज समझ आ गई। मैंने बोला एक्टिव से जो मेरे को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मेरे को टेंसेस पे भी ध्यान देना है। अब ये टेंस कौन से है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्योंकि लगी है वर्ब की, तो सिंपल पास्ट का तो बन जाएगा एक्टिव से पैसिव, ये भी पता है। तीसरा पॉइंट, क्या ये वर्ब ट्रांजिटिव है? ही पेंटेड वॉट, मेरी पेंटेड मतलब मेरी वर्ब का आंसर डायरेक्ट मिल गया वॉट से, तो मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट है। अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है तो वर्ब है ट्रांजिटिव, तो मतलब ये समझ लो कि मेरे पास जितनी भी कंडीशन होनी चाहिए एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, अब वो सारी की सारी फुलफिल हो चुकी है। तो फुलफिल ही हो चुकी है ना, तो अब कन्वर्ट करेंगे कैसे? सुनना, अब आता चौथा स्टेप कि कन्वर्जन करी जाए तो कन्वर्जन कैसे करी जाए। क्या लिखा हुआ है यहां पे? ही पेंटेड द वॉल। एक सिंपल तरीका सिखाता हूं, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होता है उसको बना दिया जाता है ऑब्जेक्ट, और जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उसको बना दिया जाता है। सुनना, मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, जब भी कन्वर्ट करूंगा ना एक्टिव से पैसिव, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिखूंगा द वॉल। अब ही है ना, ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है हिम। यहां पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, सुनना, ये प्रोनाउन जब करेंगे ना प्रोनाउन में समझ आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट ही रहते हैं, वी का होता है अस, ठीक है, आई का होता है मी, दे का होता है देम, एंड यू का रहता है यू। मतलब जब भी तुम्हें एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है, अगर वो बोलता है सब्जेक्ट का बना दो ऑब्जेक्ट, तुम ही का क्या बना दोगे? हिम। क्या बनाओगे? हिम, और साथ में लगा दोगे बाय, बाय हिम। अब बीच में देखा तुमने कुछ रूल, देखा पेंटेड, देखा कुछ पेंटेड देखा, अब बीच में लगता है कुछ रूल लगता है। क्या लगता है बीच में? रूल लगता है बीच में। अब वो रूल क्या लगता है वो समझाऊंगा फिफ्थ स्टेप में। तो यहां पे होता द वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम, ये बन जाता मेरा एक्टिव से पैसिव। मैं जब भी कन्वर्जन करूंगा ऑब्जेक्ट का बनाऊंगा सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का बनाऊंगा। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही ना उसके लिए थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। सुनो, मैं यहां पे लिख रहा हूं ही किल्ड हिम, ही किल्ड हिम, सुनना ध्यान से, ये वर्ब है, वर्ब से जो पहले आता है सब्जेक्ट और जो वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन जितने भी तुम देखते हो ना, ही शी इट, ये जो किसी के नाम के लिए लगाते हो है ना, तो ये सारे के सारे सब्जेक्टिव भी होते हैं ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, मतलब मैं अगर यहां पे लिखता ना ही किल्ड ही, तुम बोलते पागल हो गया पता नहीं, ही किल्ड ही क्या क्या मतलब होता है। ही का ऑब्जेक्टिव होता है ही किल्ड हिम, ही किल्ड हिम, शी किल्ड ही, शी किल्ड हिम, अच्छा आई किल्ड शी, गलत है, आई किल्ड हर। तो ये जो ही शी इट, ये जो तुमने देखे ना, ये ही शी इट वी आई दे यू, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं, और ये सारे के सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव, ये लगते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो तभी बोल रहा हूं जब मैं ही का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ही का क्या बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो बनेगा हिम।
शी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बनेगा हर। अगर यहां पे होता ना शी पेंटेड द वॉल, तुम क्या करते द वॉल पहले, अब शी का क्या बनता हर, द वॉल वॉज पेंटेड बाय हर। अगर यहां पे होता दे पेंटेड द वॉल, तो द वॉल वॉज पेंटेड बाय दे का क्या होता है देम। तो ये तुमने करना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, चौथा पॉइंट था ये। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई, ठीक है हमने ये भी जान लिया, देखो हमने ये भी जान लिया एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, हमने ये भी जान लिया कि किन टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, हमने ये भी जान लिया कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है और इस किस वाली का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, वो ट्रांजिटिव का जिसके पास ऑब्जेक्ट है। चौथा पॉइंट हमने ये भी सीख लिया कि कन्वर्जन कैसे करनी है, कि ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बनाना है ऑब्जेक्ट और एक एक्स्ट्रा लगानी चीज बाय, और बीच में कुछ रूल लगाना है वो हमें नहीं पता है ना, बीच में कुछ रूल लगाना है वो सिखाया नहीं अभी, मेरे को नहीं पता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाता हूं, उससे पहले फिर तुम्हें ये भी पता है, अच्छा फिफ्थ पॉइंट ये भी पता है ना कि ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, अच्छा इट का इट ही रहेगा, अच्छा दे का हो जाएगा देम देम, अच्छा यू का यू रहेगा, वी का अस, और आई का मी। ये होगा कब, जब मैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्लियर। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं, सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे सुनना ध्यान से, और इसके बाद एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल बना लिया जिंदगी में कभी एक्टिव पैसिव नहीं भूलेंगे, एक टेबल, बस एक टेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, कहता मेरे को जब भी एक्टिव से पैसिव जाना है ना, कन्वर्जन पता है, टेंसेस का पता है, उसका मेरे को वर्ब का पता है, एक्टिव पैसिव होता क्या वो भी पता है, क्या चेंज करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी पता है, सब पता है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मैं एक्टिव से पैसिव गया मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कौन सा टेंस है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास टेंस कौन से, रेदर देन वो चार जिनका बनता ही नहीं है उनको छोड़ दो, जिन चार का बनता नहीं है उनको अलग ही रखो, आठ का बनता है उनको ध्यान में रखना। कहता जो मर्जी टेंस हो मेरे पास, जब भी एक्टिव से पैसिव जाऊंगा हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा ही लगाऊंगा। क्या बोल रहा है, जब भी मेरे को एक्टिव से पैसिव जाना है ना, तो मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगानी है, चाहे जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए। एक चीज तुम देख लो, जब भी मैं एक्टिव से पैसिव बना रहा हूं, यहां पे पेंटेड लगा है तो मैंने पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है। मैंने यहां पे जब भी, एक सेकंड देखो यहां पीछे आओ, अच्छा ही गेव अ पेन, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। अभी तुम्हें पता नहीं करा कैसे जाता है, बट स्टिल मैंने तुम्हें दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे भी देखो, अच्छा राइट्स मैंने क्या कर दिए, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो जब भी मैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगानी है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब बात कर रहे हैं वो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या कहते हैं कि जब भी मेरे को एक्टिव से पैसिव जाना है ना, और अगर मेरे पास टेंस जो आया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस वाला है, कौन सा वाला है, मेरे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस समझ आता है कि एक्शन चल रहा होता है या चल रहा था, अगर मेरे को कॉन्टिन्यूस वाला टेंस दिखा कहीं भी, कॉन्टिन्यूस वाला टेंस दिखा एक्टिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेरे को लगानी है हर जगह वैसे भी, बट कॉन्टिन्यूस वाले में एक एक्स्ट्रा चीज लगा देना, वो होती है बींग। क्या लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एक चीज। दूसरा और लास्ट पॉइंट सुनो, अगर मेरे को दिख जाते हैं परफेक्ट वाले सेंटेंसेस, कौन से वाले, परफेक्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानोगे, हैज हैव की बाद वर्ब की, पास्ट परफेक्ट हैड के बाद वर्ब की, और फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल है। अब परफेक्ट दिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेरे को हर जगह लगानी पड़ रही है, बट यहां पे एक एक्स्ट्रा लगाऊंगा बीन, क्या लगाऊंगा, ये है मेरे पांच पॉइंट बेसिक। अब करवाऊंगा तुम्हें रूल कि जिसके बेसिस पे मैं ये चेंज लेके आता हूं, कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। अब पहले बेसिक चीज समझ आई कि अगर मेरे को एक्टिव से पैसिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा कैसे लगाऊंगा उसको छोड़ू, बस सुनो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगाऊंगा,
एक कॉन्टिन्यूस वाला टेंस होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, बीइंग एक एक्स्ट्रा लगाऊंगा, और परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा तो बीन करके एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा लगाऊंगा। अब जो इस क्लास को पहले से लेके अब तक बड़े अच्छे से सुन रहे उसके लिए अब ये टेबल है, सुनना यहां पे ध्यान से। इस टेबल को एक बार तुम भी ड्रॉ करना, ठीक, एक बार ड्रॉ मैं करके दूंगा, एक बार तुम करोगे। अच्छा, मेरे पास जो टेंस मेरे को देखने को मिल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, नहीं है ना। तो मतलब मेरे पास एक टेंस होगा सिंपल वाला, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, है ना। मेरे पास होगा एक कॉन्टिन्यूस वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, और एक होगा मेरे पास परफेक्ट वाला, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्लियर। तो बात अगर करूं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, यही है मेरे पास अभी तक। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, मेरे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, यही है। अब एक्टिव का जो रूल है ना, एक्टिव जो रूल होता है, एक्टिव का रूल वही सिंपल रूल होता है जो हमने टेंसेस में पढ़ा, ठीक है। तो ये तुम बोलते जाओगे, जब भी मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करता हूं तो मेरे को पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस और यस। अच्छा, सिंपल पास्ट की बात करता हूं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है सिंपल पास्ट, बट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लास्ट में होगा ही होगा, बट बीच में क्या लगा होता है, विल, शैल और वर्ब की, ये याद है ना, ये याद होना चाहिए। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बीच में क्या लगता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट, विल, शैल तो लगता ही लगता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन नहीं लगता, बीन लगता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और वैसा हम बनाते ही नहीं है। ये चीज समझ आई पहले, बेसिक क्या बोला मैंने। अब ये ना तुम्हारे दिमाग में, कुछ बच्चे जिनके दिमाग में दिख रहे हैं इस टाइम पे, कईयों को समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनका एक्चुअल में जो बेसिक टेंसेस का कॉन्सेप्ट है ना, वही क्लियर नहीं है। और हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक जब सेंटेंस बनाते हैं ना, वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। मैं पढ़ाता हूँ सिंपल प्रेजेंट बोलता है, उसका रूल ही वैसे बनाया गया है ताकि वो तुम्हारा जो बोला हुआ एक्शन है उसको बता सके। मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इज, एम, आर के साथ वी वन प्लस आई एन जी, रूल भी वैसा बनाया गया है, उसी रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारे एक्शन तुम बोलते हो। अब एक बार जिनको नहीं याद आया हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, तो घर जाके एक बार टेंसेस को एक बार देख लेना, या क्लास बेसिक वाली देख लेना। अब मैंने तुम्हें बोला मेरे को बनाना है एक्टिव से पैसिव, कुछ नहीं करना, मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो हर जगह, ये लो। मेरे को पता वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगानी हर जगह पे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को जो परफेक्ट वाले दिखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो एक एक्स्ट्रा लगाना है परफेक्ट वालों में, बीन, बीन और बीन। बाकी जो तुम्हारा रूल होता है ना, वो रूल वही लिख दो, हैज, हैव लिखा हुआ है तो हैज, हैव लिख दो, हैज, हैव, हैड लिखा है, हैड लिख दो, विल, शैल लिखा है तो विल, शैल के साथ हैव भी है तो हैव लिख दो, ये रूल बन गया तुम्हारा।
और क्या बनना है, यही बनाना है। अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस दिखा, तो कॉन्टिन्यूस में एक एक्स्ट्रा लगता है बींग, बींग बाकी सब सेम। इज एम आर लगा है तो इज एम आर लिख दो, वॉज वर लगा है तो वॉज वर लिख दो, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये अब बचे सिंपल वाले, सिंपल वालों में कुछ नहीं करना, सिंपल वाले तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगानी नहीं है, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करनी नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल होगा ना, तो सिर्फ लिखना इज एम आर, क्या लिखोगे? सिंपल पास्ट होगा तो वॉज वर, और सिंपल फ्यूचर होगा तो विल शेल। बट यहाँ पे ना एक दिक्कत आती है, विल शेल के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, तो एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा बी, खत्म। ये तुम्हारे रूल है, ये है एक्टिव से पैसिव, ये एक्टिव से पैसिव, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह, कॉन्टिन्यूस में बींग लगा दो, बाकी सब सेम रखो। एक बनाए, एक बनाए, एक एग्जाम्पल लिखी थी ना पीछे, एक एग्जाम्पल लिखी थी, यही लिख रहा हूं, ही पेंटेड द वॉल। सुनना यहां पे, यहां पे लिख रहा हूं ही पेंटेड द वॉल। तुमने पहले पहचानना एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है, ही ने पेंट करी, ही डूअर है, मेरे पास ये एक्टिव वॉइस क्लियर। अगर ये एक्टिव है फिर देखो टेंस मेरे पास कौन सा है, पेंटेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में, किसमें लगती है? सिंपल पास्ट, ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। अब मेरे को पता है जब भी ये कन्वर्जन करनी है ना, तो ये वॉल ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ही को लिखेंगे बाद में, तो आएगा द वॉल, ही का बनेगा बाय हिम, यही बनेगा ना। अब पेंटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेरे को इतना पता था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगती है, तो पेंटेड की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड, पेंटेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पेंटेड ही होती है, बट कुछ लगाना पड़ता है। तो द वॉल, अब वॉज कब लगता है? जब मेरे पास सिंगुलर हो, तो वॉल एक ही है, द वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम, बस खत्म। ये है एक्टिव से पैसिव। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, तुम मेरे को बताना, ही इज प्लकिंग द फ्लावर्स। अच्छा सबसे पहले एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव। फ्लावर कौन प्लक कर रहा है? ही। और डूअर कौन है सब्जेक्ट को? ना ही है, दिख गया, एक्टिव है। टेंस कौन सा है? इज एम आर के साथ वी वन प्लस आई एन जी लगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मेरे को एक चीज पता चली, जो कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं ना, उसमें एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्स्ट्रा, एक लगता है एक्स्ट्रा बींग, और इज एम आर जो होता है वो तो लगते ही लगते हैं। ये इसका रूल है, जब भी मेरे को क्या करना है, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना, क्लियर? यही है ना। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट, इसको तो करूंगा चेंज, तो यहां आएगा द फ्लॉज, ही का हो जाएगा बाय हिम। अच्छा इज प्लकिंग लगे तो बात कर रहा हूं द फ्लॉर्स, तो फ्लॉर्स ज्यादा है कम है? ज्यादा है। इज आएगा, एम आएगा, आ रहेगा, आ रहेगा। द फ्लॉर्स आर बींग प्लकिंग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाय, ये कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। द फ्लॉर्स आर बींग प्लग्ड बाय हिम, आर बींग और वी थ्री, क्लियर है यहां तक? अच्छा और कोई और क्वेश्चन करे, अब क्वेश्चन करे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करे, ठीक है। तो हरमनप्रीत आंसर देना, ही राइट्स अ लेटर, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, ही राइट व्हाट लेटर, ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, वर्ब कौन सी है मेरे पास? फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस लगा, तो मतलब टेंस कौन सा हुआ? सिंपल का प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट। चेंज करना है कैसे करना है? ये और बीच में कुछ रूल लगाना है, वो हमें पता नहीं है, देखते हैं। अ लेटर, ही का
by him, writes है तो verb है, verb की third form चाहिए passive में, written. और मेरे को पता है is am are रखता है verb की third form, मतलब जब change करते हैं ना तो लगता है is am are plus verb की third form. तो a letter is written by him, खत्म. ये है हमारा active से passive कि कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल. एक एग्जांपल और करते हैं, कल तुम्हारा स्टार्ट ही एग्जांपल्स के साथ करूंगा, कल तुम पहले सॉल्व करोगे, कल मैं समझाऊंगा नहीं, कल सॉल्व करोगे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा. अब ये यहां पे अगर ये लिख दूं, ही हैड रिटन, शी लिख देते हैं, शी हैड रिटन अ लेटर. Had written लगा है, तो had और v3 कहाँ लगता है? Had v3? हाँ, past perfect में. कहाँ पे लगता है? Past perfect में. और मेरे को पता है जो perfect वाले होते हैं ना, वहाँ पे extra लगता है verb की third form, फिर लगता है एक been, और बाकी जो लिखा होता है had, वो तो वही रहेगा. तो मेरे को rule में ये बीच वाला जो rule होगा ना, बस वहाँ पे वो लिखना है, ये पहले ये बाद में. तो अ लेटर शी का बाय हर, शी का हर बन जाता है. तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ये बना दिया मैंने एक्टिव से पैसिव. एक और बनाए, She will write a letter. ये लास्ट एग्जाम्पल है, बेसिक समझते. She will write a letter. Simple future. मेरे को जहां कहीं भी will shall के साथ verb की first form दिखे, मेरे पास होता है वो simple future. Clear? और simple future, मेरे को पता है जब भी मैं convert करूंगा active से passive, verb की third form हर जगह, तो will shall तो रहना ही रहना है, बस एक बीच में लगेगा extra. ये मेरे को change करना है कहां पे, नीचे. तो ये जाएगा यहां पे. तो अ लेटर विल बी रिटन बाय शी का, ये बनता है एक्टिव से पैसिव. कन्वर्जन, बैंकिंग जो आती है ना बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं एरर ढूंढो. पूरा एक सेंटेंस देगा तुम्हें तुम्हारे सामने, वो बोलेगा एरर ढूंढो, बट कन्वर्जन आती है एसएससी और जेकेएसएसबी के एग्जाम में. ये सिंपल करवा रहा हूँ ताकि बेसिक समझ आ जाए क्वेश्चन किस तरीके का आना है, आपको पता तो है. फिर लास्ट में क्वेश्चन करते भी तो हैं हम, फिर लास्ट में हाँ वो लिखेगा कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. तो ऐसा लिखा होगा, तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल. SSC और JKSSB बोलेगी कन्वर्जन के लिए, बट बैंकिंग कन्वर्जन नहीं देती, वो सिंपल बोलती बताओ गलती कहाँ पे. ना वो एक्टिव लिखेगी ना वो पैसिव लिखेगी, सिंपल बोलोगे गलती कहाँ पे. अब गलती तुम्हें पता करनी पड़ेगी एक्टिव वाली है पैसिव वाली है, कि क्या होना चाहिए. वो भी मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रखे हैं, उस चीज़ की चिंता मत करो. ये बेसिक है, यहाँ तक तुम्हारा एक्टिव पैसिव का बेसिक खत्म होता है, कि ये समझ आता है कि एक्टिव पैसिव होता क्या, कन्वर्ट कैसे किया जाता है. कल करवाऊंगा क्वेश्चन बेसिक, फिर ले जाऊंगा थोड़ा एडवांस लेवल पे, फिर करेंगे परसों क्वेश्चन एडवांस लेवल पे. तो 3 दिन तुम्हारे में एक्टिव पैसिव करवाऊंगा ताकि समझ आ जाए. इतना रख रहा हूँ आज की क्लास के लिए. थैंक यू क्लास.